तो मैं शुरुआत करूंगा राजभर जी से, आपसे, क्योंकि आपसे बहुत, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार व्यक्ति से जिम्मेदारान सवाल पूछा जाता है। बनारस, पहले आज बहुत बड़ा दिन है, 16,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस धरा पर, इस धरती पर की। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने बनारस को इस काबिल बनाया कि ये सिलेक्शन जो लोकसभा सीट का था कि पीएम मोदी ने खुद यहां से आकर चुनाव लड़ा और बनारस का नाम, और जो सिर्फ देश तक सीमित था, विदेशों तक पहुंचाया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं पीएम नरेंद्र मोदी जी का। 450 करोड़ की लागत का इंटरनेशनल स्टेडियम, 22 से अधिक स्कूल कॉलेजेस, और सबसे अहम, क्योंकि साक्षी जी हमारे साथ बैठी हुई हैं, महिला आरक्षण, 30 सालों से जो बिल कहें तो पेंडिंग था, बात की जाती थी, संसद में सवाल उठते थे, राज्यसभा, लोकसभा, हर जगह इस पर बात की जाती थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन वो बिल पास हुआ, महिलाओं को उनका अधिकार मिला। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ये कर दिखाया। तो राजभर जी, आपसे पहला सवाल यही बनता है, आपको बहुत कुछ दिया बनारस ने, आपने क्या दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत 24 के प्रत्येक सदस्यों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि बाबा विश्वनाथ की धरती पर आपने ये समिट बुलाया है। आज काशी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और जिस विकास को लेकर आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, हम समझते हैं कि काशी के विकास को अगर ठीक से आप देखें तो भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उसको साथ लेकर विकास के रास्ते पर काशी आगे बढ़ रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज अपने काशी को विकास के मॉडल के तौर पर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। आज एक तरफ जहां खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय स्टेडियम माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बीसीसीआई बना रहा है, और जो बाबा विश्वनाथ के जो मानक प्रतीक हैं उससे आच्छादित होगा ये स्टेडियम पूरी तरीके से। तो एक तरफ तो हम आधुनिकता की तरफ भी बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बनारस की पहचान है महादेव के नाम पर, उसके जो मानक हैं, जो प्रतीक हैं, विकास के साथ उन प्रतीकों को भी हम जोड़ रहे हैं, पूज्य प्रधानमंत्री जी जोड़ रहे हैं। ये एक अद्भुत उदाहरण आपके सामने है। आपने बनारस की बनारसी साड़ी की चर्चा की, बगल में भदोही है, यहां का कारपेट पूरी दुनिया में मशहूर है, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आज एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसका अनुसरण आज पूरा देश कर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, और बनारस को बनारस की साड़ी के साथ हम लोगों ने जोड़ा है। और आज ये बहुत संतोष के साथ आपके चैनल पर ये बात कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि जो विकास के रास्ते पर एक मॉडल, एक उदाहरण जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रस्तुत किया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, आज उसका अनुसरण पूज्य मोदी जी ने आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने का फैसला किया है। और जो हमारा जो लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग का हमारा जो सेक्टर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है, यहीं से उसको ताकत मिलनी है, यहीं से ताकत उसको मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि पीएम विश्वकर्मा योजना की उन्होंने शुरुआत की पूज्य प्रधानमंत्री जी ने, आप उसको भी देख सकते हैं। ये भी जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको ताकत देने का एक अद्भुत प्रयास है प्रधानमंत्री जी की सरकार का। और एक तरफ जहां
आपने माताओं बहनों, अभी तक तो क्या है कि अखबार के संपादकीय के पन्नों पर, बड़े बड़े मंच पर नेताओं के भाषण तक ये जेंडर वेस्टिंग का नाम हम लोग सिर्फ सुना करते थे, लेकिन महिला सशक्तिकरण के नारे को सच में अगर चरितार्थ करने का काम आजादी के 75 वर्ष में ये पहली बार हुआ है जब पार्लियामेंट से पूज्य मोदी जी की सरकार ने हमारी मां बहनों को ये तोहफा दिया है और उनके लिए आरक्षण का ये प्राविधान लेकर आए हैं। तो आज हम ये कह सकते हैं कि भारत एक सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जिस बात को प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास और सबके जो एक विश्वास की बात करते हैं, विकास के साथ विश्वास की बात करते हैं, जिस तरह से जनता का समर्थन हमारी योजनाओं को मिल रहा है, हमारी सरकार को मिल रहा है, हमारी पार्टी को मिल रहा है, उससे काम करने का एक जज्बा मन में पैदा होता है, हमारा मनोबल बढ़ रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज देश कहां से कहां पहुंच गया। ये बनारस, ये हमारी काशी, पूज्य प्रधानमंत्री जी की काशी, बाबा विश्वनाथ की काशी आज कहां से कहां पहुंच गई। और ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है, 2014 से पहले जो बनारस आया हो और अब बनारस आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसको एक बार भ्रम हो जाएगा कि हम बनारस में आ गए कि कहीं और कहीं दूसरे जगह आ गए। तो इस तरह का एक विकास का मॉडल हम लोगों ने पूज्य प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनकी सरकार ने भी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी आज देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जो आप सभी लोगों के सामने है। अनिल जी, पॉलिटिकली मैं आऊंगा उसके बाद, आपने अपनी विकास की बात कह दी, मैं दयाशंकर मिश्रा जी से सवाल करूंगा, सवाल वही है हमारा। दयाशंकर जी, योगी की इस कैबिनेट ने आप पर बहुत बड़ा भरोसा किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई आपको, किस दिशा में देखते हैं बनारस को विकास? देखिए, मोदी जी ने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, ये मातृशक्ति का देश है। आरक्षण, महिला आरक्षण बिल अभी तुरंत पारित हुआ और मोदी जी दिल्ली के बाद शायद पहली बार अपनी संसदीय नगरी काशी में आए और आज उनके एयरपोर्ट से लेके हर कार्यक्रम में महिलाएं उनके स्वागत के लिए आतुर थी, खड़ी थी। और एक विशेष कार्यक्रम काशी की महिलाओं ने उनके लिए आयोजित किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। ये मातृशक्ति का देश है। हमने आप कहा कि जिस धरती को ही हम भारत माता कहते हो, दुनिया में कोई देश अपनी जमीन को मां कहता हो या न कहता हो, हम कहते हैं। हम अपनी नदियों को मां कहते हैं, हम गाय को मां कहते हैं, हम अपने आंगन में लगने वाली एक छोटी सी तुलसी को भी मां कहते हैं। नव दुर्गा, नव देवी, साल में 18 दिन हम नवरात्रि में उसी देवी की पूजा करते हैं जिनको हम मां कहते हैं। तो ये मातृशक्ति का देश था, उन्होंने अपने देश की महिलाओं का सम्मान किया और निश्चित इससे आज हमारे देश की महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। मैं आपको बताऊंगा तो मेरी बात सुन के आपको आश्चर्य होगा कि संसार में सबसे ज्यादा महिला पायलट की संख्या अगर किसी देश में है तो वो भारत में है। तो ये मातृशक्ति, हमारी कल्पना चावला अगर अंतरिक्ष में जाती है तो हमारी महिलाएं एवरेस्ट पे भी चढ़ती हैं, मैरी कॉम बॉक्सिंग की विश्व चैंपियन बनती हैं, हमारी साक्षी मलिक वो विश्व चैंपियन बनती हैं कुश्ती की। तो न जाने इस देश की महिलाओं ने, ये आप जिस शहर में आए हैं, आप शायद बहुत सारे लोग परिचित न होंगे कि लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है काशी। तो आप तो उस मातृशक्ति के, जो नारी शक्ति का प्रतीक है इस देश में महारानी लक्ष्मीबाई, तो उनके शहर में आए आज। ये अभी अनिल जी कह रहे थे, गौरवशाली दिन है काशी के लिए। और जहां तक विकास का सवाल है, ये अविचल अविनाशी काशी है, एक ऐसी नगरी है जिसके बसाने का उल्लेख दुनिया में कहीं नहीं है, न किसी राजा ने न किसी महाराजा ने। ये कहा जाता है कि भगवान शंकर की नगरी है, कण कण में शंकर बसते हैं यहां। और भगवान राम ने भी अगर इस शहर में आके कभी पंचकोसी की परिक्रमा किया हो, इस शहर में पंचकोसी की परिक्रमा महाभारत काल में पांचों पांडवों ने किया हो, भगवान राम के वंशजों में करीब 32वें नंबर पे आते थे महाराज हरिश्चंद्र,
जिनको सत्यवादी हरीश चंद आप कहते हैं, वो काशी नरेश में सत्यवादिता के लिए जिनको जाना जाता है, उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया और वो काशी के डोमराज के यहां बिके थे। यह घटना को जब आप वर्षों में जोड़िएगा तो ये 10,000 साल से ज्यादा की पुरानी घटना है। तो काशी सदियों सदियों से है, काशी की कोई उम्र नहीं बता सकता। ऐसी देश की सांस्कृतिक राजधानी, देश की आध्यात्मिक राजधानी, देश के ज्ञान की नगरी, आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की नगरी है, जिसने अद्वैत का ज्ञान उनको दिया। ये इस घटना को 2000 साल हो गए। भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली है, जिसको आप वर्ष में जोड़ेंगे तो 2700 साल पहले उन्होंने काशी में आकर अपना उपदेश दिया। तो ये रामानुजाचार्य की काशी से कश्मीर तक की यात्रा की साक्षी ये नगरी है। ये चैतन्य महाप्रभु की नगरी, मतलब मैं आपसे कहूंगा तो आपको मेरी बात पे आश्चर्य होगा, कोई ऐसा संत नहीं, कोई ऐसा महात्मा नहीं जिसके कदम काशी में न पड़े हों और जिसके बसाने का उल्लेख वेदों में भी काशी है, पुराणों में भी है। महाभारत की वो घटना आपको याद होगा कि महाराज काशी नरेश की कन्याओं का अपहरण किया था भीष्म पितामह ने, अंबे अंबे अंबालिका। तो ये हर युग में थी काशी, लेकिन काशी का जो वैभव पुराना था, बीच का दौर काशी के लिए बड़ा संक्रमण का था, न जाने कितने आक्रमणकारियों ने काशी को लूटा बर्बाद किया। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कि उनके चरण जब से काशी में पड़े हैं, उन्होंने आज एक बात कहा मंच से कि काशी में विकास भी है और विरासत भी है। उन्होंने अपनी विरासत को, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को भी सहेजने का काम किया और उन्होंने विकास के पथ पर भी काशी को, इस देश में कोई भी नई योजना, अगर नदी के माध्यम से कोई परिवहन, अंतरराज्यीय परिवहन की शुरुआत होती है तो काशी से डिब्रूगढ़ की 2700 किलोमीटर की यात्रा क्रूज के द्वारा इटली के नागरिकों ने किया, उसके साक्षी काशी है। इस देश में अगर अंतरराज्यीय परिवहन की बात होती है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, तो कलकत्ता से लेकर काशी तक जो ट्रांसपोर्टेशन है, जिनसे परिवहन का काम किया जा रहा है, उसकी भी साक्षी काशी नगरी है। अगर इस देश में माँ गाय के गोबर से गोवर्धन योजना के तहत अगर गैस का उत्पादन, खाद का उत्पादन किया जा रहा है, तो उस गोवर्धन योजना की भी साक्षी काशी है। तो मुझको लगता है कि इस देश में जितने भी प्रयोग नए होते हैं, उनकी शुरुआत माननीय मोदी जी, इस देश में स्वच्छता का नारा जब उन्होंने दिया तो उसके रूप में उन्होंने काशी में पहला फावड़ा 80 घाट पे चलाया और वो एक मिशन बन गया है। आज देश हमारा स्वच्छता के नाम पर, हमारी काशी नगरी स्वच्छता में इस देश में एम्बेसडर बन गई है। तो मुझको लगता है कि विकास के साथ साथ अपनी विरासत को सहेजते हुए काशी नगरी जब आते हैं, काशी की झोली में वह पुल, गंगा स्वच्छता की बात हुई, 36 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, गंगा प्रदूषण बोर्ड की शुरुआत किया उन्होंने, लेकिन वो गंगा को एक तिल भी साफ नहीं कर पाए। आज हमारी गंगा स्वच्छ है, हमारे 84 घाट आप देख सकते हो, नमो घाट नया बनाया उन्होंने, उन्होंने सीएनजी से पूरे शहर की नावों को सीएनजी से चलाने के लिए उन्होंने सीएनजी का स्टेशन बनाया। आज काशी में जिधर देखिए पुल, फ्लाईओवर, सड़कें, 6-लेन कनेक्टिविटी है हमारे पूरे देश में, रेल के लिए रेल का टर्मिनल बन रहा कैंट स्टेशन, काशी स्टेशन, हमारा जो बनारस स्टेशन है, अलीपुर जो वाराणसी सिटी है। तो मुझको लगता है कि हम आपको गिनाने लगेंगे तो सुबह हो जाएगी, काशी अपने फिर से उस पुराने वैभव को प्राप्त कर रही है और उसका संपूर्ण श्रेय हम देना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो काशी के सांसद हैं।